बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बना रहे हैं आलू की कढ़ाई। इसके लिए हमने मोटे आलू लिए हैं कटे हुए, दो प्याज हैं चॉप किए हुए, दो तीन टमाटर हैं चॉप किए हुए, धनिया हाफ प्याली, दही है 1 टेबल स्पून, मिर्ची हैं 1/2 टीस्पून, हल्दी 1 टीस्पून, ज़ीरा साबुत 2 टेबल स्पून, अदरक लहसुन का पेस्ट है 4 बड़ी इलायची हैं 1 टेबल स्पून, नमक है 4 चॉप की हुई मिर्चें सबस 1/2 टीस्पून, गरम मसाला 1/2 टीस्पून, ब्लैक पेपर 1 टीस्पून, धनिया 1 चिकन क्यूब्स है और ऑयल। हाफ प्याली ऑयल शामिल कर लेते हैं। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, आलूओं को फ्राई कर लेते हैं। बड़ी इलायची शामिल कर देते हैं आलू में, ताकि इसकी खुशबू आलू में आ जाए। आलूओं को चेक कर लेते हैं। आलू हमारे तकरीबन 80% कुक हो चुके हैं, अब इसे बाहर निकालें। उसी ऑयल में प्याज शामिल कर लेते हैं जो हमने चॉप किए हुए हैं। अदरक लहसुन का पेस्ट, प्याज हमारे सोते हो चुके हैं, थोड़ा सा पानी लगा दो। सुरमिर्च 1 टेबल स्पून, हल्दी 1/2 टमाटर, चिकन क्यूब शामिल कर लेते हैं। सबस बचे,
दो मिनट के लिए कवर लगा के छोड़ देना। दही में गरम मसाला और कुटी काली मिर्च शामिल कर लेते हैं, जीरा पाउडर, दो मिनट गुजर चुके हैं, दही वाला पेस्ट शामिल कर लेते हैं। हमारा रेडी हो चुका है, जो हमने आलू फ्राई किए थे शामिल कर लेते हैं। जीरा शामिल कर लेते हैं, धनिया शामिल कर लेते हैं, हमारी डिश रेडी हो चुकी है। पैन को बंद कर देते हैं, अब से डिश आउट करके दिखाते हैं। अगर हमारी रेसिपी आपको अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में बताएं हमारी रेसिपी कैसी लगी।